हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा एंड वेलकम टू आवर एंटरटेनमेंट शो। भाई, सलमान खान की शादी को लेकर फैंस में हमेशा एक्साइटमेंट रहती है। सभी जानना चाहते हैं कि सलमान शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो हमेशा अपनी शादी पर अक्सर गोलमोल रिएक्शन भी देते आए हैं। और अब तो सलमान शादी ना करने को लेकर ऐसे फंडे निकाल कर लाए हैं कि सुनकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। तो आइए देखते हैं इसी पर हमारा आज का प्रोग्राम, सलमान के शादी ना करने का फंडा। भाई, सलमान खान 52 साल में भी कुंवारे हैं। आखिर उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की, जिसकी वजह का खुलासा सलमान खान ने अपनी एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सलमान ने अपनी शादी ना होने का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि डायरेक्टर सूरज बड़जात्या को ही ठहरा दिया है। आखिर दबंग खान ने ऐसा क्यों कहा है, आइए जानते हैं आखिर क्यों कुंवारे रह गए सलमान खान। देखिए, सलमान खान इस वक्त करियर के गोल्डन पीरियड से गुजर रहे हैं। नाम, शोहरत, सक्सेस और स्टारडम सब कुछ तो है उनके पास, फिर घर परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों का साथ। लेकिन नहीं है तो सलमान की लाइफ में एक पार्टनर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाइफ की। और सलमान जहाँ भी जाते हैं उनसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि सलमान खान शादी कब करेंगे, और बस फिर शुरू हो जाता है सलमान का गोलमोल जवाब। भाईजान, आप मानते हैं बात कि अब मतलब शादी कर लेना चाहिए, प्यार इस मोहब्बत से बढ़ के? तेरे को क्या प्रॉब्लम है, करो नहीं करो यार, कि मेरे शादी करने से तुझे कुछ फायदा हो रहा है नहीं ना मेरे भाई, कि मेरे शादी करने से तुझे कुछ फायदा हो रहा है नहीं ना मेरे भाई। सलमान, अनुष्का, आप दोनों से सवाल है। इस ट्रेलर में एक डायलॉग है कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से और रेसलर की रेसलर से, तो फिल्म स्टार की शादी किससे, आप कितना इत्तेफाक? This was the last सवाल। एक सबको पता चलता है कि एक सवाल पूछो लास्ट वाला, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है। चलो मैडम, लेट्स गो। शादी के सवाल पर सलमान खान उसे आखिरी सवाल मानकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब ये खबर एक बार फिर जिन की तरह बाहर निकली है, और इसे खुद सलमान खान ने बाहर निकाला है। सलमान ने इस बार अपनी शादी ना होने की वजह किसी और को नहीं बल्कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर सूरज बड़जात्या को बताया है। जी हाँ, सलमान खान ने अपनी शादी ना होने का जिम्मेदार सूरज को बताया है, साथ ही उनकी फिल्मों को भी। दरअसल सलमान हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए थे, जहां वो मीडिया से बात कर रहे थे। वहां एक बार फिर सलमान खान की शादी को लेकर चर्चा हुई, जो खुद सलमान ने ही शुरू की। सलमान ने शादी ना करने का कारण ये बताया कि शादी करना अब बहुत महंगा हो गया है, और इसलिए वो शादी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सलमान के पास शादी करने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इसलिए शादी नहीं कर रहे क्योंकि इन दिनों शादी करना बहुत महंगा हो गया है, जिसके चलते वो इसका खर्चा उठाने में समर्थ नहीं है। सलमान खान ने इसके लिए डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्मों को दोषी बताया है। उनकी फिल्मों में शादी इतनी ग्रैंड होती थी कि सभी की शादियों का खर्चा बढ़ गया। इस बारे में बताते हुए सलमान खान कहते हैं, कभी कोई आकर कहता है कि मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए क्योंकि मेरी बेटी की शादी है। मेरे खुद के पिताजी की शादी 180 रुपए में हुई है और हम सब उसी 180 रुपए के फल हैं। और ये सब सूरज बड़जात्या की गलती है कि शादी का खर्चा बढ़ गया है। उन्होंने मैंने प्यार किया बनाई, इसके बाद हम आपके हैं कौन और फिर हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में बनाई, जिसमें उन्होंने शादियों में लाख या करोड़ों रुपए खर्च करवाए और ये चलन बन गया। ये मेरे बस की बात नहीं है और इसलिए मैं अभी तक कुंवारा हूँ। तो सुना आपने, सलमान खान इसलिए कुंवारे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फिल्मों की तरह शादियों में करोड़ों का खर्चा होता है और वो शादी का खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं है। वैसे सलमान ने ये सारी बातें अनुष्का और विराट की डेस्टिनेशन वेडिंग में हुए खर्चे को देखकर तो नहीं कही, क्योंकि उनकी शादी सीक्रेट तो जरूर थी, लेकिन शादी पर करोड़ों का खर्चा हुआ था
और लगता है सलमान ये देखकर समझ चुके हैं कि अब शादी करना काफी महंगा हो चुका है। शादी पर करोड़ों का खर्चा पहले और बाद में होता ही रहता है, इसलिए वो कुंवारे ही भले हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि सलमान इस वक्त सबसे महंगे स्टार हैं, एक टीवी शो करने का 11 करोड़ रुपए लेते हैं और एक फिल्म का 40 से 50 करोड़ वसूलते हैं, फिर एड वर्ल्ड में भी सलमान का सिक्का चलता है, तो शादी का खर्च आराम से उठा सकते हैं। तो बता दें, ऐसा नहीं है। अजय उनका खुद का भी बहुत खर्चा है, फिर उनका प्रोडक्शन हाउस भी है, बीइंग ह्यूमन भी है, फिर उनके भले पूरे परिवार का खर्चा भी तो सलमान उठाते हैं। और ऐसे में जितना वो कमाते हैं उतना खर्च करते हैं, मतलब कुल मिलाकर सलमान खान कब शादी करेंगे ये फिर एक सस्पेंस बन गया है। जिसका खुलासा सलमान ही कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सलमान खान ने पहली बार अपनी शादी पर गोलमोल जवाब नहीं दिया है, बल्कि जब भी सलमान खान से मीडिया या फैंस शादी को लेकर कोई भी सवाल करते तो सलमान कुछ ऐसे अजब गजब जवाब देते हैं कि सुनने वाला हंसी से लोटपोट हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए सलमान के शादी पर ये गोलमोल जवाब। आप कब डबल होंगे? दिख नहीं रहा है। प्रेस भी है, स्टेज भी है, शादी होती है खर्चा भी बढ़ जाएगा। I was thinking for a lifetime. What were you thinking? No, no. We live in India. आप क्या सोच रहे हैं? शादी lifetime के लिए थोड़ी होती है। कौन से ज़माने में जी रहे हो आप? No, I'm not. That's really sad. Let's take the next question, guys. मज़ाक कर। इतना बुरा experience है आपका? ये बहुत बड़ा pressure डाल रहा है मुझ पर। जहाँ मैं mind change करता हूँ। फिल्म सर, जैसा कि अभी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत अच्छे डैडी बन सकते हैं सलमान खान, लेकिन आपको नहीं लगता कि इनका इंतजार बहुत ही लंबा होते जा रहा है, बहुत ही लंबा करा रहे हैं ये इंतजार? ये सवाल का अल्लाह मियां भी जवाब नहीं दे सकते। ट्रेलर में एक डायलॉग है कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से और रेसलर की रेसलर से, तो फिल्म स्टार की शादी किससे? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? This was the last सवाल। एक सबको पता चलता है कि एक सवाल पूछो लास्ट वाला, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है। चलो मैडम, लेट्स गो। क्या आप चाहते हैं सलमान की शादी हो? और अच्छी जगह आपकी जिंदगी में हो जाए, सलमान की शादी हो जाए, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कब से कह रहा हूँ सलमान को, लेकिन वो मान नहीं रहे। सलमान, आप कहते हैं सलमान अभी कुछ दिन आगे एक धूम थ्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जहाँ पे आमिर ने कहा था कि वो आपको और कैटरीना को रियल लाइफ में एक साथ देखना चाहते हैं। तो आपका जवाब इस पर चाहिए, रिएक्शन चाहिए। मिला, रिएक्शन दे दिया ना मैंने आपको सलमान, लेकिन सलमान एक सवाल है। देखिए, मैंने आपको रिएक्शन दिया है, अब वो आप इसमें कितने इंटरकट डालना चाहें वो आप डाल सकते हो, कितने मायने डालना चाहें वो आप डाल सकते हो, कितने वॉइस ओवर डालना चाहें, कितनी पिक्चरों की कटिंग डाल वो आप डाल सकते हो, और इसमें बीच में अपना भी क्लोज अप डाल दीजिए आप। या आई एम स्पीचलेस, सॉरी। नहीं, शादी की, कब शादी करेंगे आप? Also, we all want to ask you when you're getting married. Yeah, this is the most important question. 18th November. 18th November. ये 18th November ये कुछ 20-25 नवंबर से चल रहा है। 18 नवंबर होगा, लेकिन पता नहीं कौन से साल में होगा। अरे तुम फिर आ गए, तुम्हारी शादी कब होगी? तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी? अरे जरा इनपे कैमरा डालो प्लीज। हाँ, ये इनको बहुत क्यूरियोसिटी है, कैमरा डालो। थैंक यू। अरे इनकी शादी में तुम्हारा क्या फायदा?
मैं तो चाहता हूँ कि आपकी शादी हो जाए बहुत जल्द। हाँ कर लो इसकी ना इसकी। हाँ कर लो। अरे कैमरा यहाँ पे तो दिखाओ ताकि दिखाओ जरा। मैं नहीं चाहती सलमान की शादी हो। वेट वेट आई एम सलमान्स फ्रेंड। सलमान शुड बी नाइस टू ऑल द गर्ल्स इन द वर्ल्ड। वो जब चाहे शादी करे ना करे खुश रहे बस। क्या सलमान एक अच्छे हस्बैंड के रूप में आ सकते हैं? नहीं नहीं हस्बैंड हैंडसम तो आप हैं। एक हस्बैंड के रूप में या रिलेशन में आ पता नहीं हस्बैंड का पता नहीं क्योंकि वाइफ बोल है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ सलमान कभी हो सकते। आपके बड़ा इंटरेस्ट है मेरे रिलेशनशिप से। जलन हो रही है आप बताइए तो सही। ये जो धन है ये स्विस बैंक में जाएगा कि ये बड़ी हीरोइन के बैंक में जाएगा कि एक आम लड़की की जिंदगी में जाएगा? ये पूरा धन आप अपने में समा सकती हैं। तेरे को क्या प्रॉब्लम है करो नहीं करो यार? कि मेरे शादी करने से तुझे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं ना मेरे भाई। That's my thing. I don't even know your name. Why should I tell you? Dude? That's my thing. That's for my family, for me. क्योंकि we are ending this because it's related. Even I want to get married, I will get married. I don't need to tell you when I'm getting married. Understand that? If I want to do that, I will tweet it. Okay? If I'm doing that, I'll tweet up on my Facebook. So that is something that I will keep it to me and my fans. अब भाई सलमान खान का तो कहना है कि शादी में काफी खर्चा होता है इसलिए वो शादी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ भले ही सलमान खान शादी के खर्च से डर रहे हैं लेकिन जनाब हमारे बॉलीवुड की लैविश शादियां हमेशा सुर्खियों में रही है जिनमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों खर्च हुए हैं। तो आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड की सबसे एक्सपेंसिव शादियों पर। सबसे पहले नाम तो आता है भाई अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का जो पिछले साल ही शादी के बंधन में बंधे पूरे तामझाम के साथ। जी हाँ भले इनकी शादी सीक्रेट वेडिंग रही हो लेकिन इसमें करोड़ों खर्च हुए। सबसे पहले इटली में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, फिर दिल्ली और मुंबई में शानदार ग्रैंड रिसेप्शन हुआ जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड के तमाम दिग्गज शामिल हुए। जितनी स्पेशल ये शादी रही उतने ही महंगे विराट कोहली और अनुष्का के कॉस्ट्यूम्स और वेडिंग रिंग रही, इसलिए तो ये शामिल है बॉलीवुड की मोस्ट एक्सपेंसिव शादियों में। इसी तरह टॉप एक्सपेंसिव वेडिंग्स में से एक है सैफीना की शादी। कहा जाता है कि दोनों की शादी में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब छोटे नवाब की शादी हो और शाही ठाट बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ 2012 में हुई शादी में पैसा पानी की तरह बहाया गया। 5 दिन तक चले फंक्शंस के लिए 2 5-स्टार होटल बुक किए गए। इस शाही शादी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी बुलाया गया था। वहीं दावते वलीमा के कार्ड पर शाही एम्बलम भी था। अगला नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का। इनकी शादी भी बिग फैट वेडिंग थी। इनकी शादी काफी धूमधाम के साथ हुई और आज भी उनकी शादी के फंक्शंस के चर्चे होते हैं। 15 किलो सोना तो ऐश्वर्या ने अकेले पहना था और शादी के दूसरे खर्चे तो अलग। दूल्हा दुल्हन ने मशहूर फैशन डिजाइन अनीता लुल्ला, अबू जानी और संदीप खोसला के डिजाइन किए गए कपड़े पहने थे। वे ऐश्वर्या की सगाई की अंगूठी की कीमत ही 50 लाख रुपए बताई जाती है। रिपोर्ट्स के माने तो बॉलीवुड की टॉप स्टार्स की शादी में करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने साल 2009 में शादी की और इस शादी में भी पैसा पानी की तरह बहाया गया। इस शादी में शादी ही नहीं बल्कि शिल्पा की सगाई की अंगूठी भी काफी चर्चे में रही थी क्योंकि इस सगाई में शिल्पा ने करीब 3 करोड़ की अंगूठी पहनी थी। साथ ही शिल्पा शेट्टी ने शादी में सबसे महंगे डायमंड जड़ी हुई साड़ी भी पहनी थी। शादी में 80 किलो का वेडिंग केक काटा गया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेडिंग कितनी भारी रही होगी। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन के एक्स यानी कि विवेक ओबेरॉय की भी शादी काफी धूमधाम के साथ हुई। साल 2010 में विवेक ने प्रियंका अल्बा से शादी की। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा शादी का मंडप जिसमें इटली और चेकोस्लोवाकिया से 25,000 सर्वोस के क्रिस्टल सजाए गए थे। इनका वेडिंग इनविटेशन कार्ड भी देखने लायक था। कुल मिलाकर शादी में 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। रितेश देशमुख और जेनेलिया की शादी भी काफी ठाट बाट से हुई थी। ये शादी 2 रिवाजों से हुई, पहले मराठी रिवाज और फिर ईसाई रिवाज से।
इस शादी में कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हुए। कहा जाता है इस शादी में करीब 25 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। माइक्रोमैक्स के सीईओ और साउथ की सुंदरी आसिन ने भी काफी धूमधाम से शादी की। राहुल ने आसिन को 6 करोड़ की रिंग देकर प्रपोज किया था। इस शादी में बेहिसाब पैसा खर्च हुआ, कपड़े, खाना, इवेंट अरेंजमेंट सब देखने लायक था। वहीं करण सिंह ग्रोवर और विपाशा बसु की शादी ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। मेहंदी, संगीत, शादी और रिसेप्शन में करोड़ों खर्च हुए, जहां पूरा बॉलीवुड भी शामिल हुआ। इसी तरह उदयपुर में एक्टर नील नितिन मुकेश ने रुक्मणी से डेस्टिनेशन वेडिंग की। शादी काफी स्पेशल रही, इसमें भी करोड़ों खर्च हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। अब सलमान शादी करेंगे या नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान ही बता सकते हैं। लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि उनकी अपकमिंग फिल्म किक टू के लिए हीरोइन मिल गई है। तो कौन है किक टू की हसीना, आइए जानते हैं। भाई साल 2014 में रिलीज हुई किक में सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस ने अपनी अदाओं का जलवा चलाया था। लेकिन जब से प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाल के प्रोडक्शन हाउस ने इस बात का ऐलान किया है कि दर्शकों के सामने किक 2 का दूसरा भाग पेश किया जाएगा, तब से ये खबरें जोरों पर हैं कि इसमें किस हसीना को मौका मिलेगा। कई बार किक 2 को लेकर अलग अलग हीरोइंस के नाम सामने आ रहे हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि किक 2 से जैकलिन का पत्ता साफ हो गया है। पहले कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि किसी और को नहीं, बल्कि इस बार किक 2 में सलमान और दीपिका की जोड़ी फाइनल कर ली गई है। बाद में ये खबर आई कि दीपिका और जैकलिन को रिप्लेस करते हुए एमी जैक्सन को किक 2 में फाइनल कर लिया गया है, जिनके साथ सलमान की जोड़ी नजर आएगी। लेकिन अब ताज़ा खबरों की माने तो ना दीपिका ना एमी जैक्सन बल्कि सलमान खान की किक 2 में काम करने का सुनहरा मौका मिला है जैकलिन फर्नांडिस को। जी हाँ, सही सुना आपने, सलमान और जैकलिन ही किक 2 में नजर आएंगे। और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि किक के प्रोड्यूसर डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला ने अपने इंटरव्यू में किया है। साजिद ने कहा है कि एक अवार्ड फंक्शन के दौरान सलमान खान ने ये मजाक में कह दिया था कि किक 2 तैयार है लेकिन उसमें जैकलिन नहीं है, जिसके बाद से ही ये सारी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। किक 2 में मुख्य अदाकारा के तौर पर जैकलिन फर्नांडिस ही दिखाई देंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पहले कास्टिंग में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जरूरत होने पर वो नए चेहरे को भी कास्ट कर सकते हैं। मतलब जैकलिन की तो चांदी हो गई है, वो बैक टू बैक सलमान के साथ 3-3 फिल्मों में नजर आने वाली है। हाल ही में उन्होंने सलमान के साथ रेस 3 की शूटिंग बैंकॉक में कंप्लीट की है। ये फिल्म इसी साल ईद पर रिलीज होगी। वहीं सुना है कि सलमान और जैकलिन रेमो डिसूजा की डांस बेस्ड फिल्म डांसिंग डैडी में भी नजर आएंगे। और लीजिए, अब ये खबर भी पक्की हो गई है कि साल 2019 में क्रिसमस पर किक 2 में जैकलिन ही सलमान के साथ अपनी अदाओं से सबको दीवाना बनाएंगी। भाई मानना पड़ेगा, जैकलिन का जादू लगता है सलमान खान पर चल ही गया, तभी तो वो बैक टू बैक सलमान के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 फिल्मों में नजर आने वाली हैं। वैसे हम आपको बता दें कि अभी सलमान खान की फिल्म भारत की हीरोइन फाइनल नहीं हुई है। हो सकता है रेस 3, डांसिंग डैडी और किक 2 के बाद कहीं भारत में भी जैकलिन फर्नांडिस का जैकपॉट लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए IBC24 के साथ। लंटेक केयर एंड बाय।